अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। वो बोलेंगे अपन को और हम खोली खाली कर दें। कमाल है, 30 साल से ये हमारा आशियाना है, इसे छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? पैसे वालों का क्या फर्क पड़ता है, वो तो पैसों की ताकत से कहीं भी अपना घर बसा सकते हैं। हमारे सिर की छत तो न छीने, बहू बेटियों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ फिर तुम? कयामत हो गई मैडम। तो आप सब लोग जानते ही होंगे, भंडारी आयुष साहब का खास आदमी। आज हम आप सबको एक खास खबर सुनाने आए हैं कि हमारे बॉस ने यह जमीन बेच दी है और अगले 24 घंटे के अंदर ही अंदर आप सबको यह जमीन खाली करनी होगी। 24 घंटे? ये कैसे हो सकता है? आखिर हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाएंगे कहाँ? अरे पैसे वालों की लाठी है तो जब जी में आएगा तब मारेंगे क्या? मैं तो कहती हूँ कि चल करके हम सब लोग उनसे हाथ पैर जोड़ के माफी मांग लेते हैं। नहीं, हम गिड़गिड़ाएंगे क्यों? हमने कुछ बुरा नहीं किया है, ये हमारी जगह है, हमारी जगह से हमें कोई नहीं निकाल सकता। हमें बस अपनी आवाज को बुलंद करना है। अगर हम एक साथ आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकता की दीवार बनाकर खड़े हो जाएं, तो हमारी ताकत को कोई लानकर हमारे घर पर कोई बुरी नजर नहीं उठा पाएगा। कड़ी से कड़ी जोड़कर जंजीर बनती है, बस उसी तरह हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होना है। सबसे पहले हाथ मैं बढ़ाऊं, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? मैं थामूंगी हाथ। फिरदौस, बड़े पैसे वालों की बातें तू नहीं समझेगी। नहीं सविता सर, हम अपने दिलों में जीत का विश्वास क्यों ना पाएं? हम अपनी आवाज क्यों ना उठाएं? अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, इसे हमारी कमजोरी समझा जाएगा। इस वक्त हम सबकी हालत उस पक्षियों की तरह है जो शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। शिकारी के जाल से तो नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम एक साथ उड़ान भरें तो जाल को लेकर उड़ सकते हैं। वकील साहब, आप इन सबको पेपर दिखा दीजिए। जी हाँ, ये सच है कि ये जमीन अभी बिक चुकी है और कोर्ट के ऑर्डर है कि आपको ये जगह खाली करनी होगी। ये देखिए, ये रहे उसके पेपर्स, देख लीजिए आप सब लोग। ये कोर्ट ऑर्डर, जाके आयुष मल्होत्रा को वापस दे दो। ये चौल हमारा घर है, हमारा परिवार है। अरे कुछ लोग तो यहाँ 20 साल से भी ज्यादा रहते हैं और आप उन्हें 24 घंटे का नोटिस दे रहे हैं। इस ईंट और पत्थरों के बीच इंसान बसते हैं, जिंदगियां बसती हैं। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि यहाँ से वहां होते रहे। जाके कह दो आयुष मल्होत्रा से हम यहाँ से नहीं हटेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम ये चौल खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं, सब कह रहे हैं।